हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। और दोस्तों फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर वन जो है, पेपर वन जुलाई सेशन 2014 की जो पेपर है, इसमें से जो क्वेश्चन हमारे सीखने लायक है, यानी जो क्वेश्चन हमारे सीखना जरूरी है, ये ऐसे जो क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो 2021 में जो दिसंबर सेशन का जो एग्जाम होने वाला है 2020 का, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों यहाँ से हम रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जैसे कुछ मैथमेटिक्स की जो है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, उनको हम छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज के डिस्कशन में। तो पहला जो क्वेश्चन, नंबर वन क्वेश्चन जो है, इधर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइबेड। तो वर्बल ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में जो ब्रेकडाउन है, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन में शॉर्ट सर्किट क्या कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन के अनुसार कंट्राडिक्शन कहते हैं, और सी नंबर जो ऑप्शन है उनके अनुसार अनइवननेस, और डी ऑप्शन के अनुसार एंट्रोपी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन है दोस्तों, इसे इज डिस्क्राइब्ड एज एंट्रोपी कहते हैं। यहाँ ये डी नंबर ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, ये सही ऑप्शन है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में। द टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, टेलीफोनिक मॉडल जो कम्युनिकेशन है, ये पहला कौन से एरिया में डेवलप हुआ है? ये पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में टेक्नोलॉजिकल थ्योरी कहते हो, बी में क्या है डिस्पर्शन थ्योरी कहते हो, सी में क्या है मिनिमल इफेक्ट्स थ्योरी, डी में क्या है इंफॉर्मेशन थ्योरी के नाम दी गई है। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या होगा, ये टेलीफोनिक, द टेलीफोनिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सही आंसर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा इसके आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं, यहाँ देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर और 2013 की बात होते, मैं यहाँ इसे काट के 2021 की बात करता हूँ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनेगा तो ये 21 का ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, हैज बीन कन्फर्ड ऑन, किससे कन्फर्ड किया गया है? यहाँ तो जो कोडन जोहर के बाद आमिर खान, आशा भोसले, गुलजार की बात होते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन है मैं एक जोड़ देता हूँ, या ऑप्शन ई के तौर पे मैं जोड़ देता हूँ, इससे दी गई इससे एक ऑप्शन को डिलीट किया जाएगा। तो यहाँ क्या है, दीपिका पादुकोण होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो आंसर है ये पहले से मैं बता दिया, दीपिका पादुकोण की बात आ गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी देख लेना। और आप बात करेंगे फ्रेंड्स नंबर फोर जो है, फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी, आर नॉट इजी टू, नंबर ए ऑप्शन में पब्लिश किया है, बी ऑप्शन में सिक्योर, सी में डिकोड, और डी में चेंज की बात करते हैं। यहाँ सही आंसर क्या होगा, यहाँ फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू डिकोड होगा, ये डिकोड आंसर डी का, सी का, क्वेश्चन नंबर फोर के आंसर सी होगा, डिकोड। आप बात करते हैं, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव में, द ग्रेन्स दैट अपीयर ऑन ए टेलीविजन सेट व्हेन ऑपरेटेड आर आल्सो रेफर्ड टू एस, तो इसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन स्पार्क्स कहते हैं, बी में ग्रीन डॉट्स कहते हैं, सी में क्या है स्नो, डी में रेन ड्रॉप्स कहते हैं। यहाँ से ही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स स्नो जो है, ये स्नो से ही आंसर होगा।
ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। द इन सर्कुलर कम्युनिकेशन में द एनकोडर बिकम ए डिकोडर व्हेन देयर इज ए एनकोडर। सर्कुलर कम्युनिकेशन में कब एनकोडर डिकोडर बन जाता है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पहले जो ऑप्शन है नॉइस की बात करते हैं, बी ऑप्शन में ऑडियंस की बात करते हैं, और सी में क्रिटिकलिटी की बात करते हैं, और डी में हम देखते हैं फीडबैक की बात। तो यहाँ जो है इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकम्स ए डिकोडर व्हेन देयर इज ए फीडबैक, ये बी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, ये हम आपके लिए छोड़ देंगे, इसके लिए सेपरेट क्लासेस में बना होगा दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ रीजनिंग की जो क्वेश्चन है इसे हम छोड़ते हैं आप ही के लिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। इफ ए लार्ज डायमंड इज कट अप इनटू लिटिल बिट्स, लार्ज डायमंड को अगर हम लिटिल बिट्स में काट दे तो क्या होगा, इट विल लूज इट्स वैल्यू जस्ट एज एन आर्मी इज डिवाइडेड अप इनटू स्मॉल यूनिट्स ऑफ सोल्जर्स इट लूजेस इट्स स्ट्रेंथ। तो अगर हम लार्ज एक डायमंड को काट दे छोटे छोटे पीसेस में, सो इनके जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगा या बल्कि नहीं रहेगा। जैसे हम एक लार्जेस्ट आर्मी को बांट दे तो यूनिट्स अलग कर दे, एक एक को अलग कर दे, तो इसकी जो पावर है ये नहीं रहता है। तो यहाँ क्या है, द आर्गुमेंट पुट अबव मे बी कॉल्ड, ऐसे जो आर्गुमेंट्स की बात आती है, ऐसे जो आर्गुमेंट इसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, एनालॉजिकल, दूसरा जो ऑप्शन है डिडक्टिव, और सी ऑप्शन में क्या है स्टैटिस्टिकल की बात, और डी में क्या है कॉजल। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, एनालॉजिकल जो आर्गुमेंट है ये किसी के साथ जब हम मिलाते हैं सिमिलैरिटीज की बात करते हैं तो ये एनालॉजिकल हो जाता है। डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है दोस्तों, देखिए जब किसी बहुत कुछ हम जानते हैं किसी सेक्शन के बारे में, किसी किंगडम के बारे में, इससे जब जाके हम ऐसे एग्जांपल हो सकता है, हम जानते हैं सब लोग क्या है मॉडल है, तो जाके हम एक की पर्टिकुलर पर्सन की मौत की बात करते हैं, तो ये इस टाइप के जो एग्जांपल्स है ये डिडक्टिव एग्जांपल्स बन जाता है। और सी में जो है स्टेटिस्टिकल की बात, यहाँ जब नंबर्स की बात आते हैं, नंबर के तौर पर हम जब कुछ डिसीजन लेते हैं तो ये स्टैटिस्टिकल हो जाता है। कॉजल कॉज इफेक्ट रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ जो बात होता है जो एनालॉजिकल है ना, हमारी जो यहाँ एनालाइज की गई है इसे हम क्या कहेंगे, एनालॉजिकल कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। गिवन बिलो आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है नीचे। सेलेक्ट द पुट व्हिच एक्सप्रेस ए कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज नॉट इन इंडक्टिव इन कैरेक्टर। जो यहाँ इंडक्टिव इन कैरेक्टर, जो इंडक्टिव कैरेक्टर नहीं है, सिलेक्ट द कोट व्हिच एक्सप्रेस ए कैरेक्टर व्हिच इज नॉट इंडक्टिव, जो इंडक्टिव नहीं है उस कैरेक्टर को फाइंड आउट करने की, उस को फाइंड आउट करने की बात करते हैं। तो इंडक्टिव क्या है फ्रेंड्स, ये ऐसे होते हैं हम जो जानते हैं पहले नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते, इसे इंडक्टिव आर्गुमेंट्स हम कहते हैं, इंडक्टिव कैरेक्टर भी कहते हैं। यहाँ 14 में A1 में की क्या दी गई है, द कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो फ्रॉम इट्स प्रीमिसेस। तो कंक्लूजन इज क्लेम टू फॉलो, जो कंक्लूजन ली गई है लॉजिक में वो कहाँ से होते हैं, फ्रॉम फॉलो फ्रॉम इट्स प्रेमिसेस, प्रेमिसेस से इसकी जो कंक्लूजन है ये निकाल के आते हैं। बी ऑप्शन कहते हैं द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशन। जब हम किसी कंक्लूजन में आते हैं स्पेशली लॉजिक में, ये कंक्लूजन कहाँ से आते हैं, कॉजल रिलेशन से निकाल के आते हैं, ये कहते हैं बी ऑप्शन। सी ऑप्शन कहते हैं द कंक्लूजन conclusively follows from the premises, जो conclusion है ये conclusively क्या है premises से निकल के आते हैं।
आते हैं। आप बात करते हैं डी ऑप्शन जो है इन द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम कुछ कंक्लूजन को निकालते हैं। सो यहाँ क्या जो इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें दिखाई नहीं गया है। सो यहाँ जो बात है फ्रेंड्स, ये द कंक्लूजन क्लेम टू फॉलो द प्रेमिसेस, ये तो इंडक्टिव की बात करते हैं, ये सही है। और द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन कॉजल रिलेशन, ये भी सही है। अबाउट क्या है इंडक्टिवनेस के बारे में, और सी ऑप्शन जो है द कंक्लूजन कंक्लूसिवली फॉलो फ्रॉम द प्रेमिसेस जो है ये क्या है, ये सही नहीं है। सो हमारे आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, ये भी द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये भी सही होता है। सो आंसर हमारे सी नंबर जो है, ये आंसर ओके निकल के आया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की फ्रेंड्स, इफ टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अगर टू डू प्रोपोजिशन की क्या है, सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स होता है, कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है लेकिन फॉल्स नहीं हो सकता है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस, ऐसे दो प्रोपोजिशन के बीच में जो रिलेशन है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, और दूसरा में क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन की बात करते हैं, और सी में सब कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं, डी में सब अल्टरनेशन की बात करते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स आंसर बन जाएगा सी, क्योंकि इफ द टू प्रेमिसेस फॉलोइंग हैविंग द सेम सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट टर्म्स कैन बी कैन बोथ बी ट्रू बट कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस इज कॉन्ट्रारी। जब दो प्रोपोजिशन के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं और ये दोनों क्या है एक साथ मिलके क्या है ट्रू हो सकता है, अगर फॉल्स नहीं हो सकता है, इस टाइप की जो रिलेशन है इसे हम सब कंट्राडिक्टरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ फ्रेंड्स देखिए द एक्रोनाइम ऑफ एफटीपी स्टैंड्स फॉर एक्स, एफटीपी क्या है, एक्रोनाइम एफटीपी क्या है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन ए बी में क्या है फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और सी में है फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, और डी में है फाइल ट्रांसफर प्रोसीड्यूर। सो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं इसके आंसर क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों चलते हैं इसमें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए और एन इमेज ग्राफिक फॉर्म फाइल फॉर्मेट, कौन सा इसमें कौन सा एक ऐसा है जो इमेज ग्राफिक फॉर्मेट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं तो जो ऑप्शंस देखते हैं, ए ऑप्शन में है पीएनजी फाइल की बात करते हैं, और जो जीआईएफ की बात गिफ की बात होता है, और सी में क्या है दोस्तों, और सी में है बीएमपी की बात होते हैं, सी में बीएमपी की बात होते हैं, और डी ऑप्शन में जीयूआई की बात होते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे जानते हैं ये पीएनजी जो है ये फाइल के फॉर्मेट है, गिफ जो है ये फाइल फॉर्मेट है, ये बी एमपी ये भी फाइल फॉर्मेट है। सो ये आंसर होगा ये फाइल और ग्राफिक्स इमेज फॉर्मेट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नंबर 25 में, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, पहला जो वेब ब्राउजर है ये क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या है इंटरनल एक्सप्लोरर की बात करते हैं, बी में डेस्कटॉप की बात करते हैं, और सी ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, डी ऑप्शन में फायरफॉक्स की बात करते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउजर, इससे जैसे आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ये सही आंसर है 25 किसी आंसर सही है। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए कंप्यूटर इज बूस्ट BIOS is loaded to the memory by, जब कंप्यूटर को बूट करते हैं हम, तो ये क्या है BIOS is loaded to the memory by, BIOS जो loaded होते हैं मेमोरी के, वो क्या है इसमें
26 जो है रैम की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं, सीडी रोम की बात करते हैं और टीसीपी की बात करते हैं। यहाँ से आंसर है रोम होता है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर थ्री। यहाँ तीन एक प्रकार है, इनसे एक थोड़ा अलग है। क्या सिमिलैरिटीज में कौन तीन आता है, यानी डिसिमिलर कौन है, इसे फाइंड आउट करना है 27 में। तो देखिए मैक एड्रेस की बात होते हैं, हार्डवेयर एड्रेस की बात होते हैं और फिजिकल एड्रेस की बात होते हैं। ये इसके साथ जो आईपी एड्रेस आता है, तो ये दोस्तों देखिए ये सब एक साथ जुड़े हुए, जो आईपी एड्रेस थोड़ा अलग है, सो यहाँ आंसर हो जाएगा आईपी एड्रेस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन सी पे। यहाँ आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। आईपी एड्रेस कौन सा होगा, यहाँ तो कुछ एड्रेस ऐसा दिखाई देता है लेकिन यहाँ आईपी एड्रेस एक है, तो आईपी एड्रेस कैसा है उसे फाइंड आउट करना है। 300.215.317.3 यहाँ क्या देखिए, ए बी ऑप्शन में 302.215@417.5। सो यहाँ क्या है 202.50.20.4148 और डी ऑप्शन में क्या है 202.50.20.148। सो फ्रेंड्स देखिए, आप जब इस टाइप का पहला थ्री वाला थ्री नंबर्स की जो है ये है, उसके बाद डॉट होगा, इसे टू नंबर्स के बीच बीच डॉट होगा, उसके बाद थ्री नंबर, ऐसे जो है ये आईपी एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, ये सो आंसर सी नंबर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन worst affected by urban smog in recent time। urban smog कौन सा cities में सबसे ज्यादा होते हैं, इसे find out करना है। तो पहला option में क्या है, number A option Paris की बात करते हैं, B option में London है, C option में Los Angeles की बात करते हैं, D option जो है option D में Beijing की बात करते हैं। So friends यहाँ बेजिंग जो है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है, बीन वर्स्ट अफेक्टेड बाय अर्बन स्मॉग इन रिसेंट टाइम्स, ये बेजिंग से ही है आंसर। चलते हैं 31 क्वेश्चन में, द प्रीमियम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज इन फ्रेश वाटर बॉडीज, प्राइमरी सोर्स क्या है ऑर्गेनिक पोल्यूशन की, प्राइमरी फ्रेश वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिक पोल्यूशन का क्या है। पहला ऑप्शन जो है रन ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज से जो रन ऑफ होता है वो बी ऑप्शन में दी गई है, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, तो एग्रीकल्चरल फार्म से जो जाते हैं ये इसके बात करते हैं, और स्वेज एफुलेंट स्वेज में जो बहते हैं उसके बात करते हैं, दी में इंडस्ट्रियल एफुलेंट्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज से जो निकाल के बाहर जाते हैं उसके बात होते हैं। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स देखिए, प्राइमरी सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज जो के द्वारा फ्रेश वाटर बॉडीज पॉल्यूटेड होता है, ये स्वेज एफुलेंट, सी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ये सही है। चलते हैं दोस्तों 32 नंबर में लहर इज ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग लहर जो है ये नेचुरल डिजास्टर है, ये किसके साथ जुड़े हुए है। ए ऑप्शन में एडप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं, बी ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात करते हैं, सी में क्या है स्ट्रॉन्ग वाटर वेव्स की बात होता है, और डी में है स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर वेव की बात होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लहर जो है इन ए नेचुरल डिजास्टर इन्वॉल्विंग एडप्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल, लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल एडप्शन की बात जो लहर में आ जाते हैं। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, 33 नंबर क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कैटास्ट्रोफिक consequences of climate change there is general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of each compared to the pre-industrial times by
तो प्री इंडस्ट्रियल टाइम के साथ क्या कंपेयर करने की बात होती है, या ये ऑप्शन में क्या है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, बी ऑप्शन में 2.0 डिग्री सेल्सियस टू 3.5 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, और सी में 0.5 डिग्री सेल्सियस टू 1.0 डिग्री सेल्सियस की बात होती है, और डी में क्या है 0.25 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 डिग्री सेल्सियस की बात होती है। तो यहाँ क्या हो सकता है सही आंसर फ्रेंड्स, यहाँ जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस ये लगता है बहुत सही। तो आंसर क्या है, इन ऑर्डर टू अराइव catastrophic consequences of climate change that in general agreement among the countries of the world to limit the rise in average surface temperature of earth compared to that of pre-industrial time by 1.5 degree centigrade to 2.2 degree centigrade की बात होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 34 नंबर क्वेश्चन। द नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। पहला जो ऑप्शन है एनवायरमेंट की बात होते हैं, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में बात होते हैं, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स की बात होते हैं, सी ऑप्शन में क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात है, डी में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आंसर, तो यहाँ देखिए दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये यूनियन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ क्या है होम अफेयर्स में आ जाता है, होम अफेयर्स में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 35 मैचिंग है इसमें, लिस्ट वन में क्या रखा है फ्लड ड्राउट अर्थक्वेक वल्कानो की बात होते हैं, लिस्ट टू में देखिए इसमें क्या है लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशिएंट ड्यूरेशन सही मात्रा की बारिश ना होना, टू में क्या है ट्रेमोर्स प्रोड्यूस बाय द पैसेज ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑन द अर्थ जो पैसेज है वाइब्रेटरी वेव की बात की है, और थ्री ऑप्शन में इवेंट थ्रू व्हिच मॉल्टेड सब्सटेंस कम आउट जो मॉल्टेड सब्सटेंस जहां से निकाल के आते हैं उसके बाद होते हैं, और डी में और फोर्थ ऑप्शन में क्या है एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एक्सेस रेन ज्यादा बारिश होना और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पानी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सभी जगहों में एक जैसा ना होना ये आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं इसके आंसर क्या होगा, तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स फ्लड जो है ना दोस्तों फ्लड जो है ये फ्लड कहाँ से बनते हैं, फ्लड होते हैं दोस्तों देखिए एक्सेस रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जब होता है तो इसे हम क्या कहते हैं फ्लड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो है ड्राउट हम किसे कहते खोरा हम किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए लैक ऑफ रेनफॉल ऑफ सफिशियंट ड्यूरेशन, सफिशियंट ड्यूरेशन में अगर रेनफॉल नहीं होता है तो यहाँ क्या हो जाता है ड्राउट हो जाता है या सुखावन आ जाती है। अब बात करते हैं जो थ्री है अर्थक्वेक की बात करते हैं, अर्थक्वेक क्या है एक ट्रेमोर है, ट्रेमोर प्रोड्यूस्ड बाय द पल्सेस ऑफ वाइब्रेटरी वेव्स थ्रू द रॉक्स ऑफ द अर्थ, तो अर्थ की जो रॉक है उनकी वाइब्रेटरी होने के कारण रॉक्स के टूटने के कारण से भी अर्थक्वेक हो सकता है। अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, जो डी के साथ आप क्या है एक बचा हुआ है द वल्कानो इवेंट थ्रू व्हिच मोल्टेड सब्सटेंस कम आउट, तो वोल्केनो के साथ उसके लार्वा उसकी वोल्केनो से अंदर से बाहर निकल के आते हैं, सो ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस हैज द शॉर्टेस्ट रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है,
फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द शॉर्टेस्ट रेसिडेंस टाइम इन द एटमॉस्फेयर। ग्रीन हाउस गैस सबसे कम समय रहते हैं, क्या है इसे निकालना है। पहला ऑप्शन जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, बी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात होते हैं, और सी ऑप्शन में मीथेन की बात होते हैं, वो डी ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आंसर बनेगा सी, क्योंकि Which one of the following green gas has the shortest residence time in the atmosphere? Atmosphere के सबसे कम समय रहता है मीथेन जो और गैस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Consider the following statements and select the correct answer from the quotes given below। जो सही है उसे फाइंड आउट करना है। पहला जो ऑप्शन दी है, राजस्थान रिसीव द हाईएस्ट सोलर रेडिएशन इन द कंट्री। राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन मिलते हैं। और बी ऑप्शन क्या है, इंडिया हैज द फिफ्थ लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर इन द वर्ल्ड की बात करते हैं। और थर्ड में क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विंड पावर इज कंट्रीब्यूटेड टू तमिलनाडु। और जो फोर्थ ऑप्शन में, द प्राइमरी सोर्स ऑफ अन यूरेनियम इन इंडिया इज जादूगर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ एक प्रॉब्लम है जो है सभी सही है मान के चला है यूजीसी ने, जो इससे जो आंसर किया है ना फ्रेंड्स सभी को इस क्वेश्चन में 2014 में किया है, मार्क दी गई है सबको सही मान के चला है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब 98 में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द डिफेक्ट टू एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है। ए ऑप्शन में चेयरमैन की बात करते हैं, बी ऑप्शन में डेप्यूटी चेयरमैन की बात होते हैं, और सी में क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर प्लानिंग की बात होते हैं, और डी ऑप्शन में मेंबर सेक्रेटरी की बात होती है। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो सही ऑप्शन है, यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन जो है ना फ्रेंड्स इज द डिफेक्ट टू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ प्लानिंग कमीशन। डेप्यूटी चेयरमैन इज द डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में। एजुकेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द 39 की यूनियन लिस्ट की बात होती है, स्टेट लिस्ट की बात होती है, कॉन्करेंस लिस्ट की बात होती है, और डिसिप्लिनरी पावर की बात होती है। तो फ्रेंड्स आप सब जानते हैं जो लिस्ट है ना फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिस्ट क्या है, तीन की प्रकार की होते हैं लिस्ट, तीन ही प्रकार की होते हैं। पहला जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं, सेकंड जो है स्टेट लिस्ट है, और थर्ड है क्या, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। रेसिडेंसी पावर जो है ये प्रेसिडेंट के पास रहते हैं या गवर्नर के पास रहते हैं रेसिडेंसी पावर। तो यहाँ जो एडुकेशन सब्जेक्ट है फ्रेंड्स ये क्या है फ्रेंड्स, ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। चाहे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें आइन बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकते हैं। अगर दोनों में कंट्रडिक्ट हो गया स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या है सेंट्रल की जो एक्ट है वो लागू होके चलेगा। तो ये हो गया 39 के आंसर। अब बात करते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 40 नंबर क्वेश्चन में है। पहला देखिए पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की बात होते हैं, दूसरे नंबर पे नंबर टू में विश्व भारती की बात करते हैं, और थ्री ऑप्शन में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात होती है, फोर्थ में क्या है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ यूनिवर्सिटीज के नाम भी आते हैं इस टाइप में, आप इसे काफी ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए जो है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती जो है ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्पल्स है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हुआ है, आंसर में ये है ए नंबर ऑप्शन हुआ, 1, 2 एंड 3 जो है ये सही ऑप्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की। कंसीडर द स्टेटमेंट व्हिच इज फॉलोड बाय टू आर्गुमेंट, जो यहाँ दो आर्गुमेंट दी गई है, आर्गुमेंट 1 एंड 2। स्टेटमेंट
क्या है, देखिए इंडिया शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लोकपाल। इंडिया के बहुत ही सख्त क्या होना चाहिए, लोकपाल होने चाहिए। इसके आर्गुमेंट में क्या दी गई है जो नो इसको आर्गुमेंट्स के तौर पहले जो है, पहला वन जो है इसमें क्या कहते हैं, यस इट विल गो अलोंग इन eliminating corruption in bureaucracy. Bureaucracy में जो corruption होता है इससे eliminate करने के लिए, इससे हटाने के लिए क्या है, लोकपाल होना जरूरी है। इससे option one जो arguments कहते हैं, और option two arguments क्या कहते हैं, no it will discourage honest officer from making quick decision. दो option number two कहते हैं क्या friends, जो इसे लोकपाल इंडिया में सख्त से सख्त लोकपाल को एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि इसके द्वारा जो honest officer है वो लोग आपकी खुद पर आके तुरंत डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये हुआ है बात, तो आंसर क्या होगा दोस्तों देखते हैं। यहाँ देखिए यस इट विल गो अलोंग इन इलिमिनेटिंग करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी, ये सही होगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए जो लोकपाल है ना फ्रेंड्स, लोकपाल जो बिल है, लोकपाल जो बिल ये टोटली क्या है, करप्शन को हटाने के लिए, ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है इस करप्शन को हटाने के लिए इसे क्या है, इसे लागू किया है। सो ये नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके दर पर कुछ एक्टिविटीज, बहुत ही अच्छा एक्टिविटीज की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242 में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट, कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जो मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को मान के चला है। तो पहला ऑप्शन में है असम यूनिवर्सिटी के बाद, बी ऑप्शन में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के बात होते, और डी में पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के बात होते। सो फ्रेंड्स यहाँ जो मेटा यूनिवर्सिटी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये मेटा यूनिवर्सिटी क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मान के चलते है, मेटा यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हुए कौन सा रूल्स को मान के चलते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या क्या सही है, नीचे चार ऑप्शन दी गई है इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही है इसे फाइंड आउट करना। ठीक है तो ऑप्शंस पढ़ते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया यूनिवर्सिटी से। और दूसरे जो बात है, जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनकी विजिटर होते हैं प्रेसिडेंट। और थ्री ऑप्शन में क्या बात है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जो कमिटी होते हैं एग्जीक्यूटिव कमिटी, उसके उसमें कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को की भी कुछ मेंबर्स को उन्होंने नॉमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया ऑप्शन थ्री। ऑप्शन फोर में क्या है देखते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट कौन ओकेशनली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और कोर्ट ऑफ ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं तो क्या सही है अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो यहां देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज एस्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सही है फ्रेंड्स, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होता है ये सेंट्रल और जो पार्लियामेंट की एक्ट के अनुसार होते हैं, ये सही है। नंबर टू ऑप्शन जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज ए विजिटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेंट्रल जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की विजिटर अपने पदाधिकार से क्या है, प्रेसिडेंट रहते हैं। और सी जो थ्री ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट अगर चाहते तुम एग्जीक्यूटिव कमेटी में कुछ मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में कुछ मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
और फोर्थ ऑप्शन जो है द प्रेसिडेंट ओकेशनली प्रेसाइड ओवर द मीटिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी और कोर्ट, ये सही नहीं है फ्रेंड्स। सो आंसर में क्या है, 1, 2, 3 जो आएगा। सो जो है 1, 2, 3 जो इसमें है, ये सी जो है ये सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेशन मोटिवेटेड टीचिंग। एक मोटिवेटेड टीचिंग के साइन क्या हो सकते हैं, यानी हम किसे देखे हम पता चल जाएगा ये एक मोटिवेटेड टीचिंग है। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ए ऑप्शन में है स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, जब कोई स्टूडेंट ने टीचर को क्वेश्चन पूछेगा तो भी ये क्या है मोटिवेशनल टीचिंग के एग्जांपल हो सकते हैं। बी में क्या है, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में प्रेजेंट होता है तो ये साइन होता है मोटिवेटेड टीचिंग की। और दूसरी थर्ड नंबर जो ऑप्शन है पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम एकदम साइलेंट है पिन ड्रॉप साइलेंट है तो भी एक मोटिवेटेड टीचिंग की एग्जांपल हो सकता है। और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स टेकिंग नोट्स, अगर स्टूडेंट्स से नोट लिखते हैं तो ये एक मोटिवेटेड टीचिंग हो सकता है। तो क्या है इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर हम जिसके लिए पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं, अगर स्टूडेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चन है क्वेरीज है, वो अगर लर्नर्स ने और स्टूडेंट्स ने खुल के टीचर्स को पूछते हैं तो ये जाके एक मोटिवेटेड टीचिंग होगा। अगर लर्नर्स ने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और पिन नोट साइलेंट होता है, अटेंडेंस ज्यादा होता है, टेकिंग नोट्स होता है, ये कुछ से क्या ये मोटिवेटेड टीचिंग की कोई प्रकाश नहीं होता है। सो अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है। इसमें चार ऑप्शन दी गई है, पहला ऑप्शन है लेक्चर मेथड की बात है, और बी ऑप्शन में क्या है डिस्कशन, और सी ऑप्शन में डेमोंस्ट्रेशन की बात होते हैं, डी में नरेशन की बात होते हैं। इसमें सबसे बढ़िया सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए जो डेमोंस्ट्रेशन मेथड है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या है लेक्चर्स भी होते हैं, कुछ चीजों को दिखा के लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग जो है इसे डेवलप की जाती है। सो डेमोंस्ट्रेशन मेथड इज द बेस्ट आंसर हियर, बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये काफी आसान है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, डिसलेक्सिया किसके साथ किन के साथ जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, मेंटल डिसऑर्डर के साथ जुड़ा है, बी ऑप्शन में कहे थे बिहेवियरल डिसऑर्डर की बात करते हैं, और सी ऑप्शन क्या है रीडिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं, डी ऑप्शन में क्या है राइटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं। सो यहाँ क्या हो सकता है फ्रेंड्स आंसर, हाँ यहाँ डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स लर्नर पढ़ नहीं सकते इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। द ई कंटेंट जनरेशन फ्रॉम अंडरग्रेजुएट कोर्सेस हैज बीन असाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रखा गया है फ्रेंड्स, ये अब क्या है चेंज होके आया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, लेकिन बाकी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। ए ऑप्शन क्या है इंफिनेट की बात करते हैं, बी ऑप्शन में कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कमीशन, और सी ऑप्शन में नेशनल नॉलेज कमीशन की बात होती है, डी में क्या है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ क्या है 47 के आंसर क्या हो सकता है, ई कंटेंट जनरेशन फ्रॉम अंडरग्रेजुएट कोर्स हैज बीन एज अ ई कंटेंट बनाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कंटेंट लर्नर्स के लिए बनाने की इसकी जो काम है ये किसको सौंपा गया है। 47 नंबर की आंसर क्या होगा, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन जो है इनको ये काम सौंपा गया है अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 48 नंबर ऑप्शन में, 48 में क्या है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड एज
क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन है इसे हम क्या कह सकते हैं। ए नंबर ऑप्शन में है क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बी में कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, और सी में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और डी में सिलेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। सो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा कॉग्निटिव कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है ये कॉग्निटिव, क्यों कॉग्निटिव फ्रेंड्स, ये कॉग्निशन के साथ, समझदारी के साथ होते हैं, तो ये कॉग्निटिव कम्युनिकेशन की बात होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे जो है 49 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिज्म। पैराडिज्म की जो भावना है, पैराडिज्म की जो आइडिया है, उससे किसने प्रोपाउंड किया है। ए ऑप्शन में है पीटर हेगेट की बात होते है, बी ऑप्शन में वॉन थुएन की बात होते है, सी में थॉमस कुलेन की बात होते है, और डी में जॉन के राइट की बात होती है। या सही ऑप्शन कौन है, सो यहाँ देखिए थॉमस कौन जो है, इनके नाम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिज्म के साथ जुड़े हुए है। सो थॉमस कुलेन प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिज्म, ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन पे, इन ए थीसिस फिगर्स एंड टेबल्स आर इंक्लूडेड इन, एक थीसिस में फिगर्स और टेबल को कहाँ रखा जाता है। ए ऑप्शन में कह दे क्या था, अपेंडिक्स में रखा जाता है, बी ऑप्शन ए सेपरेट चैप्टर, जो फिगर्स एंड टेबल्स को एक सेपरेट चैप्टर करके उसमें रखा जाता है, सी ऑप्शन कहता है द कंक्लूडिंग चैप्टर, जो शेष चैप्टर है, जो कंक्लूडिंग चैप्टर है उसमें रखा जाता है, डी ऑप्शन कहते हैं द टेक्स्ट इटसेल्फ, तो टेक्स्ट के अंदर रखा जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ की आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो टेबल्स होते हैं फ्रेंड्स किसी थीसिस की, ये अपेंडिक्स के नहीं रखा जाता है, सेपरेट चैप्टर बना के भी नहीं रखा जाता है, कंक्लूडिंग चैप्टर में भी नहीं रखा जाता है, क्योंकि जहां फिगर और फैक्ट्स की टेबल देना जरूरी है वहां ही उसे लगाया जाता है। सो क्या है द टेक्स्ट इटसेल्फ, टेक्स्ट में लगाया जाता है। सो यहां आंसर डी होगा सही। आप बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, द थीसिस स्टेटमेंट इज, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, तो देखते हैं ए ऑप्शन क्या है, एन ऑब्जर्वेशन, थीसिस स्टेटमेंट जो है ये एक ऑब्जर्वेशन है, बी कहते हैं ए फैक्ट है, ये एक फैक्ट की बात करते हैं, सी ऑप्शन क्या कहते हैं एन एसर्शन की बात करते हैं, और डी में ए डिस्कशन की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए थीसिस स्टेटमेंट जो होता है ना दोस्तों, ये एक एसर्शन है, ये एक एसर्शन है, सो ये आंसर सही है। अब बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की, द रिसर्च प्रपोजल ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग्स इज आइडेंटिफाइड एज। तो यहाँ जो है यह ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव पैराडिज्म की बात होते है, बी ऑप्शन में क्रिटिकल पैराडिज्म की बात होते है, सी ऑप्शन में नेचुरल पैराडिज्म की बात होते है, और डी में इंटरप्रेटेटिव पैराडिज्म की बात होते है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आंसर क्या है, द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड द पीपल क्रिएट मीनिंग इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एस। इसे क्या है, आइडेंटिफाइड इंटरप्रिटेटिव पैराडिज्म कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नीचे दी गई इसमें क्या इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। ठीक है, अब क्या है, ए ऑप्शन में सिंपल रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं, और बी ऑप्शन पर पासिव सैंपलिंग की बात करते हैं, सी में सिस्टमैटिक सैंपलिंग की बात करते हैं, डी में स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है ये पर्पासिव जो सैंपलिंग है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाता है, और यहाँ देखिए सिंपल रैंडम सिस्टेमेटिक और स्ट्रैटिफाइड जो सैंपलिंग है ये सब क्या है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 54 में, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएशन that assess the learning progress to provide continuous feedback to the students during instruction।
यहाँ ऑप्शन ए क्या है, प्लेसमेंट की बात है, बी में डायग्नोसिस की बात करते हैं, सी ऑप्शन फॉर्मेटिव की बात करते हैं, डी ऑप्शन में सामेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें आंसर, तो क्या है क्वेश्चन के साथ एक बार मिला के पढ़ते, आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ इवोल्यूशन दैट एसेस द लर्नर प्रोग्रेस, जो इवोल्यूशन प्रोसेस लर्नर की एसेस को प्रोग्रेस को एसेस करते हैं उससे टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस फीडबैक, उसमें एसेस करके क्या दी जाती है, फीडबैक दी जाती है टू स्टूडेंट ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन देने के समय में यानी पढ़ाने के समय में के बीच बीच में इवैल्यूएशन की जाती है ताकि लर्नर की जो प्रोग्रेस है उसे फाइंड आउट करके उसे कंप्लीट करने के लिए इसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है। सो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है इसे इसमें स्टाइल जो है इसे यूटिलाइज की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 55 नंबर क्वेश्चन, और आज के ये लास्ट क्वेश्चन होगा 55 नंबर। द रिसर्च टीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, द रिसर्च टीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, जो रिसर्च इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए की जाती है इसे क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन ए में क्या है, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कहते हैं, बी में एक्शन रिसर्च कहते हैं, सी में फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, डी में क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये एक्शन रिसर्च की बात होगा, क्योंकि उस स्कूल्स में कॉलेजेस में कुछ प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर जिस टाइप की रिसर्च की जाती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। इस टाइप की रिसर्च जो है ये कम से कम समय में की जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इमीडिएट सोल्व करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज हम काफी कुछ पढ़ाई की है, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे इम्पोर्टेंट कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट की एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, उन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड थैंक्स यू ऑल, आप सब पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन को जारी रखिए, और कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ आपकी कहना हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और आपके दोस्त के साथ प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।